हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो के साथ हूं और मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारी जो BS4 की इंजन है, ये ओवरहीट की जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करनी है। और इसकी इस व्हीकल में पुअर पिकअप की भी प्रॉब्लम थी, जैसा कि ऑपरेटर ने हमें नोट कराया है। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन सी हमारी फॉल्ट कोड जो है वो जनरेट हुए हैं ECM में। तो हम इसे पहले इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लेते हैं ECM से। कनेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारी चैनल से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कुछ आप जानते रहें और सीखते रहें। तो फ्रेंड्स, इस व्हीकल में जो है वो ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम थी, तो हम इसे चेक करेंगे कि रियल में ये ओवरहीट हुए हैं या नहीं। तो चलिए, हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो ECM से कनेक्ट हो चुकी है और हम यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं, ताकि हम फ्यूचर में कभी भी इस व्हीकल की जो डिटेल्स है वो हम देख सकते हैं और इसकी जो टेम्पलेट है हम दूसरी व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं। हम इसे फॉल्ट कोड को चेक कर लेंगे कि हमारी कौन सी फॉल्ट कोड इस व्हीकल में आई है, जो कि ECM में सेव हो चुके हैं। इसमें पुअर पिकअप की भी प्रॉब्लम थी और ओवरहीट की भी प्रॉब्लम थी। मैं आपको इसमें सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे इसे सूट आउट करनी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप सारी चीज़ को समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं फॉल्ट कोड्स की बार को। तो इसमें हम, ताकि हम सारी जो कोड्स हैं वो हम देख पाएँ, फॉल्ट कोड्स जो हैं वो हम देख पाएँ। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे फॉल्ट कोड्स आए हुए हैं, तो एक एक करके हम चेक करेंगे कि इसमें जो फॉल्ट कोड्स हैं ये किस किस वजह से कितने बार आए हुए हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये फॉल्ट कोड जो है हमारी कम से कम नहीं तो 8 या 10 हैं। तो चलिए अब हम इसे एक एक करके चेक करते हैं और देखते हैं कि किस वजह से ये फॉल्ट कोड आए हुए हैं। तो नीचे देखिए, सबसे पहले जो फॉल्ट कोड्स हैं वो 2771, ये देखिए यहाँ पे 2771, ये हमारी आउटलेट नॉक सेंसर की है। ये शायद नॉक सेंसर की वहाँ पे या तो वाटर या कुछ डस्ट वगैरह आए होंगे, जिसकी वजह से ये एक्टिव होके इनएक्टिव हो गए। 4177, देखिए फ्रेंड्स, ये डोजिंग एयर असिस्ट वाल्व की है, जो कि मलफंक्शन के कारण ये एक्टिव होके इनएक्टिव हुए हैं एक बार। तो अगर ये एक्टिव रहती है तो इसे हमें इसके ऊपर वर्क करनी है, और अगर ये इनएक्टिव है तो इसे हमें आसानी से डिलीट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जिसके ऊपर हम देखते हैं 2963, जिस वजह से ये व्हीकल हमारे पास आई हुई है इंजन ओवरहीटिंग की तो इंजन ओवरहीटिंग जो है, ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर देखिए यहाँ पर दिखा रही है कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर जो है वो एवब हुए हैं नॉर्मल रेंज से। 2963 ये हमारी ओवरहीट की सिग्नल्स है, जो कि 6 बार इस व्हीकल में आ चुकी है। जैसे कि हमारी ड्राइवर ने बताया इसमें कि ये खाली व्हीकल में भी ये व्हीकल जो है, इसकी इंजन जो है, ये ओवरहीट की सिग्नल आ जाती थी। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, 1117 है, जो कि पावर सप्लाई लॉस्ट की है। हमारी बैटरी के पास में पावर सप्लाई की ऑन ऑफ स्विच है, वो ऑन ऑफ स्विच ऑन ऑफ करने से ये हमारी सिग्नल आ जाती है। ये 8 बार ऑन ऑफ हुई होगी, इसके वजह से ये कोड एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव हुए हैं। उसके बाद है 0115, फ्रेंड्स ये इंजन मैग्नेटिक स्पीड की है, जो कि हमारी क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के ऊपर 2 सेंसर लगे हुए हैं। उसकी जो हार्नेस है या उस सेंसर के आसपास किसी तरह के डस्ट वगैरह आए होंगे, जिसकी वजह से ये एक्टिव होके इनएक्टिव हो गए हैं। अगर ये एक्टिव रहते हैं तो इसे इसके ऊपर हमें वर्क करनी है। उसके बाद जो कोड्स हैं फ्रेंड्स, उसके बाद 4948 परफॉर्मेंस बेसिक स्विच की है फ्रेंड्स। ये जो हमारी केबिन के अंदर रेड कलर की स्विच और ग्रीन कलर की स्विच है, जब भी हम इंजन को स्टार्ट करेंगे वो रेड में स्टार्ट होगी। उसके बाद जब हमें गाड़ी को मूव करनी है तो ग्रीन कर लेनी है, और जब हमारी व्हीकल में लोड है और वो स्लोप कंडीशन में वो व्हीकल खींच नहीं पा रही है उस लोड को, तो हमें रेड कलर की स्विच सेलेक्ट करनी पड़ती है। चलिए फीचर्स एंड पैरामीटर्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ताकि वो हमारी जो है ओपन होकर रह जाए। उसके बाद जो फॉल्ट कोड हैं फ्रेंड्स देखते हैं, 4271 जो फॉल्ट कोड हैं वो हमारी
ये SCR डोजिंग एयर असिस्ट की असिस्ट वाल्व की है। चलिए ये भी इनएक्टिव है। 1671 जो है वो हमारी ये वाली डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड की लेवल जो है वो कम हुई थी, जिसके वजह से ये कोड जनरेट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, अभी 117 जो है वो पावर लॉस्ट की थी, तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया 4271 जो है SCR डोजिंग की है। उसके बाद 1671 जो है वो फ्लूड लेवल की है। उसके बाद है 0241, ये हमारी व्हील बेस्ड व्हीकल स्पीड की है, जो कि ट्रांसमिशन में लगी हुई है इसकी सेंसर, वो वायर लूज होने की वजह से ये आई होगी। उसके बाद है 2182, ये हमारी इंजन ब्रेक एक्चुएटर की है, जो कि हमारी साइलेंसर में लगी हुई है, जो स्विच हमारे केबिन में होती हैं, ई की सिंबल होती है उसके ऊपर, तो ये उसके वजह से आए होंगे, उसके वायर वगैरह लूज होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे जो कोड्स हैं वो इनएक्टिव्स हैं, तो हमें इसे सब सारे कोड्स को इरेज कर लेनी है। तो चलिए हम सारे कोड्स को इरेज कर लेते हैं पहले, और फीचर सेंस पैरामीटर्स को भी क्लिक कर लेते हैं। तो इस जो ये जो इतने कोड हैं, ये हमें इसे इरेज कर लेनी है यहाँ से। तो हमें सेलेक्ट करके इरेज के ऊपर क्लिक करनी है, उसके बाद ये सारे कोड को इरेज कर लेनी है। सेलेक्ट ऑल, उसके बाद फिर हमें इसे इरेज कर लेनी है, ताकि हमें ECM में जो मलफंक्शन आए हुए हैं, जो कोड्स सेव हुए हैं, वो डिलीट हो जाए वहाँ से, और हमारी जो पिकअप की प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे, और हीट की जो प्रॉब्लम है वो भी अब हम चेक करेंगे फीचर पैरामीटर। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिलीट होने में थोड़ी सी समय लग रही है इसमें, तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो यहाँ पे एक ओके की ऑप्शन आएगी, तो हमें उसे क्लिक कर लेनी है। तो हमारी जितनी भी, देखिए ओके की हम प्रेस कर लेते हैं, ताकि हमारी सारी जो फॉल्ट कोड है वो ECM से इरेज हो जाए। यहाँ से इरेज होने के बाद हम चेक कर लेंगे। देखिए हमारी सारी फॉल्ट कोड इरेज हो चुके हैं। अब हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं और फीचर सेंस पैरामीटर्स में जाते हैं, और फीचर सेंस पैरामीटर्स में हम देखते हैं फ़ैन कंट्रोल को सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि हमारी ये व्हीकल ओवरहीट की प्रॉब्लम थी। तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये इनेबल किया हुआ है, एक्चुअली ये डिसेबल अगर रहती तो समझ लेते कि हाँ, हमारी जो इंजन की जो टेम्परेचर है ये बढ़ने की चांसेस रहेगी। जब डिसेबल रहेगी तो हमें हमेशा ही इसे इनेबल रखनी है, चाहे वो रेड कलर वाइट कलर की फ़ैन हो या ब्लैक कलर की फ़ैन हो। फिर फ़ैन कंट्रोल की जो लेवल है उसको देखिए, 12 वोल्ट की भी हो सकती है इसमें, 24 वोल्ट की भी हो सकती है। फ़ैन कंट्रोल स्विच है, देखिए हमेशा यहाँ पे डिसेबल रहेगा, और फ़ैन कंट्रोल सेटिंग जो है वो इनेबल किया हुआ है, तो हमें उसे इसकी जो पैरामीटर्स है वो हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। उससे पहले हम डाटा मॉनिटर पर क्लिक कर लेते हैं, जो कि पिकअप की भी प्रॉब्लम थी, तो पहले हम पिकअप की प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद ओवरहीट की प्रॉब्लम देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ऑल पैरामीटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और हमें सबसे पहले पिकअप की प्रॉब्लम में हमें एक्सेलेटर की जो परसेंटेज है, प्रेस करने की परसेंटेज है, हम उसे चेक कर लेंगे। ये हमारी 100% होनी चाहिए, अगर 100% नहीं है तो उसे हमें 100% करनी होती है। तो चलिए हम एक्सेलेटर पैडल को हम प्रेस करते हैं, प्रेस करके देखेंगे कि यहाँ पे कितने परसेंट हमारे एक्सेलेटर पैडल प्रेस हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 100% हमारी एक्सेलेटर पैडल वर्क कर रही है, तो हमारी पिकअप की प्रॉब्लम उसकी वजह से नहीं है। तो अब हम चलते हैं इस पे वापस, तो अब हम देखेंगे गियर डाउन प्रोटेक्शन। तो गियर डाउन प्रोटेक्शन जो है वहाँ यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, तो हम इसे डिसेबल कर लेंगे। फ्रेंड्स, गियर डाउन प्रोटेक्शन में सेटिंग होती है 33, 25, 20, तो आप कितने भी रख सकते हैं, तो मैक्सिमम जो सेटिंग है हमें उस पे रखनी है, तो हमें इसे डिसेबल कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी मैक्सिमम लेवल पे। उसके बाद हम देखेंगे इसे लोड बेस स्पीड कंट्रोल को देखेंगे, उसके बाद इसे भी हम डिसेबल कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे डिसेबल करने के बाद हम सेंड टू ECM कर लेंगे, क्योंकि हमें ECM को ये मालूम नहीं होने देना है कि हमें हमारी जो व्हीकल है उसमें कितनी लोड है और कितनी हमें फ्यूल की ज़रूरत है। तो जैसे ही हम इसे डिसेबल करेंगे, तो हमारी जो ECM है वो इकोनॉमी रेट से ही हमारी इंजन को फ्यूल जो है सप्लाई करेगी। तो चलिए हम दोनों को डिसेबल करके हम इसकी ECM में ये डाटा को सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंजन की जो RPM है वो कितनी पे है। तो इंजन की जो RPM है न्यू में हमें 750 मिलती है, तो हमें इसे सेट करनी होती है 650 या 600, तो इसकी हम लिमिट को देख कर ही हम करेंगे।
तो इसकी हम ओके कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये सारी डाटा सेट होने के बाद हम इसे ओके कर लेंगे तो ये हमारी ECM में जाकर सेव हो जाएगी। तो अब जो है हमारी पिकअप की प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होनी नहीं चाहिए, पर फ्यूल की कंजम्पशन इसमें थोड़ा सा थी तो उसे अब हम देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, जो इंजन की जो आइडल स्पीड है हम उसे चेक करते हैं। लो आइडल स्पीड क्या है, देखिए हमारी दोनों डिसेबल हो चुके हैं ये, और आपकी गियर डाउन प्रोटेक्शन भी डिसेबल हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं ऊपर, एडजस्टेबल लो आइडल स्पीड को हम चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 750 यहाँ पे शो कर रही है, तो हम इसे 650 कर लेंगे। तो इसकी पहले हम लिमिट चेक करेंगे, उसके बाद हम इसे सेट करेंगे। तो चलिए इसे जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे एक डाटा आ जाएगी और उस पर एक लिमिट होगी, तो उस लिमिट को हम चेक करेंगे। उसके बाद उस लिमिट के हिसाब से हम मिनिमम लिमिट पे इसे हम सेट कर देंगे इंजन की RPM। इससे हमारी वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाएगी और जो फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। तो चलिए इसे राइट क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट्स है, तो लिमिट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो 650 हम इंजन की RPM रख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर दिया है कि 650 आप रख सकते हैं मिनिमम, तो हम मिनिमम में सेट कर देंगे ताकि इंजन की जो वाइब्रेशन है और इंजन की जो साउंड है वो स्मूथ रहे। इसे हम ओके कर लेंगे और ये ECM में जाकर सेव हो जाएगी फ्रेंड्स। तो जब भी हमारी इंजन स्टार्ट होगी तो ये 650 पे ही स्टार्ट होगी, जब हम इसे डाटा मॉनिटर में जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे शो करेगी। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पे सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इंजन की जो टेम्परेचर ऊपर जा रही थी हम उसे चेक करते हैं और उसकी डाटा को हम सेट करेंगे। फैन कंट्रोल सेटिंग में जाकर हम उसे सेट करेंगे, जिसके वजह से ये हमारी व्हीकल जो है हीट होने की चांसेस रहती है। तो हम देखते हैं कि उसकी सेटिंग क्या है, इनिशियल सेटिंग इस व्हीकल में है क्या और हमें क्या सेट करना है। तो इसे हम ओके प्रेस कर लेंगे तो ये हमारी ECM में जाकर डाटा सेव हो गई, 650 में हमारी इंजन अब ये स्टार्ट होगी। तो चलिए फ्रेंड अब चलते हैं फैन कंट्रोल सेटिंग पे, इसे हम ओके कर लेंगे, ये हमारी सेट हो गई है। तो अब हम फैन कंट्रोल सेटिंग में जाएंगे, फैन कंट्रोल सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फैन कंट्रोल सेटिंग में यहाँ पे दिखी हुई है फ़ैन स्पीड ड्राइव रेशियो, ये 1.5 है, तो इसे हमें 1.2 कर लेनी है, क्योंकि ये ब्लैक कलर की फ़ैन इसमें लगी हुई है, तो ब्लैक कलर की जो मेज़रमेंट होती है वो 1.2 होती है, सेटिंग जो है उसको 1.2 होती है। और इसको हाई एफिशिएंसी विस्कस फ़ैन फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी 2HZ रखनी है, तो इसे हमें सेव करके ECM में सेंड कर देनी है। अब ये हमारी इंजन जो हीट हो रही थी वो इंजन हीट होने की कंप्लेंट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी इस व्हीकल से। उसके अगर ये उसके बाद भी अगर हीट हुई तो हमें मैकेनिकल साइड से देखनी होगी कि रेडिएटर ब्लॉक है या इसकी थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो वर्क नहीं कर रही है, तो ये सब हमें चेक करनी है। तो फिलहाल इस सेटिंग से ही हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये व्हीकल न्यू है तो थर्मोस्टेट और रेडिएटर में प्रॉब्लम होने की चांसेस कम है, क्योंकि इसकी सेटिंग जो है वो गड़बड़ थी जिसके वजह से ये इंजन ओवरहीट हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी जो डाटा है वो ECM को सेट हो रही है, जैसे ही ये हमारी सेट हो जाएगी तो बस हमें इसे इस व्हीकल को ट्रायल पे ले जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो कोई भी एरर कोड हैं वो वापस एक्टिव और इनएक्टिव हो रहे हैं या नहीं। इसे ओके कर लेंगे तो ये डाटा फुल्ली तरीके से सेव हो गए हैं। तो अब हम इसे जब हम ट्रायल पे लेके जाएंगे तो हम देख लेंगे कि हमारी ये कोई फॉल्ट कोड इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली इसमें क्या है, ये खाली गाड़ी में भी ये इसकी जो इंजन है वो इसकी टेम्परेचर हाई हो जा रही थी, तो अब इसके वजह से अब टेम्परेचर हाई नहीं होगी। और वाइट कलर की फ़ैन जो है उसकी सेटिंग अलग होती है और ब्लैक कलर की फ़ैन जो है उसकी सेटिंग अलग होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे सॉफ्टवेयर को डिसकनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और ये हमारा जो वर्क है ऑलमोस्ट सब फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की कमेंट्स है तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।